पुतिन का नाली आखी परे नरमिले वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन अधारू मस्को मिशन बंद करिबा सह युक्रेन युद्ध शिविर को फेरिजबा लागि निर्देश देछंती प्रिगोजिन। पुतिन कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान नेबा पूर्व रखिछंती सुरक्षा शर्त जहां सूचना मिली बेलारूस राष्ट्रपति मध्यस्थतार एक बुझामणा होई। प्रिगोजिन किंबा वाग्नर सेना विरोध में कोनोसी एक्शन नेबनी रूसिया। एथिसह पुतिन निज प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेई सोइगुंकु भी हटाई जिबार संभावना रही। सेपटे स्थिति उपर नजर रखी अमेरिका युक्रेन समेत नाटो देश। चौबीस घंटे उत्तर पुतिन को क्षमताच्युत करने को करिथिले पण हेले किछि क्षण रे बदलीगला स्थिति। अधारू अटकिला वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन मस्को अभियान। पुतिन को नाली आखि परे डरीगले प्रिगोजिन आउ आग को बढ़े कौन निजर वाग्नर ग्रुप और सेनांकर जीवन रक्षापाई अधारू बंद करदे मस्को मिशन। पुतिन को घनिष्ठ बेलारूस राष्ट्रपति शरण पशिले प्रिगोजिन। मस्को आड़क आगुवा निजर वाग्नर ग्रुप योद्धा को शिविर को फेरी आसा को देले निर्देश। से युक्रेन भितर थी शिविर को फेरुंट पुतिन नुहे पुणी युक्रेन विरोध में लड़े युद्ध। जो टैंक सबू मस्को अभिमुखे जाऊला से सबू पुणी युक्रेन मुहां हो निजर 20,000 सेना को फेर को निर्देश देवा सह कौन प्रकार कार्यानुष्ठान बर्तवापी बेलारूस आश्रय ने वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन। प्रकृत कथा हो बेलारूस राष्ट्रपति मध्यस्थतार पुतिन और प्रिगोजिन एक बुझामणा होता कथा कहु। बुझामणा अनुजाई वाग्नर बाहन विद्रोही मानू सुरक्षा ग्यारंटी दिजिव ता छड़ा बुझामणार आउ केत सर्त नहीं उभय पक्ष मध्य आलोचना जारी रही। हेत विद्रोह में सामिल हो वाग्नर ग्रुप्र सदस्य मानू रूसिया सेना रे शामिल करा जाई पारे। पिछले 24 घंटे में दुनिया ने एक बहुत जबरदस्त साइको ड्रामा देखा रशिया के अंदर। जो पुतिन के सबसे करीबी वैग्नर ग्रुप के चीफ थे जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, उन्होंने बगावत कर दी और साफ तौर पे कहा कि रशिया को एक नए प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। मुख्य वजह थी कि उन्होंने कहा कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो निकम्मे हैं और इनकॉम्पिटेंट है टू परस्यू द वॉर। लेकिन 24 घंटे के बाद में उन्होंने अपने ट्रुप्स को कहा आप विड्रॉ कर दीजिए और वापस अपने कैंप्स में चले जाइए। ये कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ब्लडशेड को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ वैग्नर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तव में एक्शन नहीं लिया जाएगा ये तो समय बताएगा। दूसरा, इसके बगावत से प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनकी जो सेल्फ इमेज है और उनकी प्रेस्टीज है विद इन रशिया और दुनिया में उसमें बहुत जबरदस्त घात हुआ है। वो उस माफिक नहीं पेश अपने आप को पेश कर सकते जैसे पहले करते थे। ये गेम थी वहां पे, अब वो गेम खत्म हो गई है। पर उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, फौज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उसको अब पुतिन को देखना है और अभी उसको यूक्रेन की लड़ाई बंद करानी है, यूक्रेन की लड़ाई में कुछ हासिल करना है या बंद कराना है। तो इस समय पुतिन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, यही सिर्फ एक प्रॉब्लम खत्म। प्रिगोजिन का विरोध रे कठोर हेले रूसिया राष्ट्रपति आउ एबे देखंतु किभली फेरुचंती वाग्नर सेना। रूसिया दक्षिण रोस्तोव बरोच आदि स्थान वाग्नर ग्रुप र टैंक सह सेना यूक्रेन युद्ध शिविर को फेरिचंती। एतिसह टळिची रूसिया रे गृहयुद्ध स्थिति। हेले प्रतिरक्षा विशेषज्ञों कहिबा कथा एबे भी पुतिन को समस्या शेष होइनाई। वाग्नर ग्रुप उपरे आउ सेतटा भरोसा करि न पारंती व्लादिमीर पुतिन। प्रिगोजिन जे उभरि भाबरे विद्रोह को ओल्हाइले ताकु दृष्टि रखि सेनार सुरक्षा बळरे मस्कोर सबु गुरुत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को रखा जाइछि। पुतिन को सुरक्षा को अधिक कड़ाकड़ी करा जाइछि। केवल सेतिकि नुहे एबे प्रश्न उठुछि युक्रेन ने जे उभरि वीरता देखाई वाग्नर ग्रुप युद्ध करथुला एबे सही अनुसार लढै करिवो ना नाही। म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। क्या वैग्नर के लड़ाके रशियन आर्मी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और रशियन आर्मी उनके ऊपर भरोसा कर सकती है? फिर इसके बड़े ज़बरदस्त फायदे हो सकते हैं यूक्रेन को और देखे हो भी गए हैं क्योंकि यूक्रेन को पिछले 24 घंटे में काफ़ी सफलता मिली है। आज सुबह रशिया ने एक बड़े पुल को डिस्ट्रॉय किया ताकि यूक्रेनियन फोर्सेज के एडवांस को रोका जा सके। नेटो और बाकी दुनिया भी बड़ी करीबी से इस इशू को देख रही है क्योंकि अगर रशिया के अंदर बगावत होती है किसी प्रकार से तो उसका फायदा जो है केवल नेटो को यूक्रेन को होगा। बेलारूस और यूक्रेन की फौज की ट्रेनिंग कराई है मैंने, मुझे अच्छी तरह पता उनका नेचर क्या होता है और इस समय वो ये कोई नहीं कह सकता
ये अपने दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं और एक दूसरे से लड़ने में कोई भी डिले विलंब नहीं। रूसिया स्थिति ऊपर पूरा नजर रखी अमेरिका और यूक्रेन। वाग्नर ग्रुप में 20,000 अधिक सैनिक थे गतिविधि ऊपर नजर रखी पेंटागन। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रूसिया रे टळीछि रक्तपात। वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन को नहीं देखा देथिबा संकट टळीछि। हेले प्रिगोजिन करै विद्रोह पछर गोटे बड़ खबर सामना को आछि। रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विरोध रे विद्रोह पई वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन योजना करथिबा नै पूर्वरु जानिथिला अमेरिका। एने गत 24 तारीख रे न्यूयॉर्क टाइम्स रे सूचना दिया जाइछि। अमेरिकार जन अधिकारी निज नाम को गोपन रखा सर्त प्रिगोजिन को विद्रोह नहीं गत बुधवार बिडेन को प्रशासन पक्ष सैन्य कमाण्डर को अवगत करपरिक प्रिगोजिन को विद्रोह पक्ष गोटे सिक्रेट डिल अमेरिका और प्रिगोजिन को मध्य डिल होता पुतिन को भरोसा योग्य प्रिगोजिन हठात मोर्चा खोल नर पक्ष एक सुचिंत षड्र यह भी कहा पक्ष अमेरिकार हाथ तेज यह पक्ष सत्यता अच्छी जमापड़ना। तबे किए एही येवगिन प्रिगोजिन जे शक्तिशाली रूसिया विरोध में विद्रोह करने को साहस कले केवल साहस कले बर मस्को दखल सह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्षमतार हटावा योजना करते सैन्य बल और युद्धास्त्र धरी मस्को अभिमुखे अभियान आरंभ करते असलले पुतिन को भरोसा योग्य समर्थक और एकांत विश्वस्त होती वाग्नर ग्रुप मुख्य प्रिगोजिन। 62 वर्षीय प्रिगोजिन 1981 मसीह आक्रमण और डकायती मामलें दोषी सब्यस्त होते 12 वर्ष जेल दंड होता पर 90 दशक सेंट पीटर्सबर्ग एक रेस्तरा खोली प्रिगोजिन। यही समय पुतिन साक्षात होता व्लादिमीर पुतिन बंधु होगले प्रिगोजिन। पुतिन क्षमता बढ़ा घनिष्ठता भी बढ़िवार लगला पर भड़ाटिया सैनिकों को नहीं वाग्नर ग्रुप गठन करते प्रिगोजिन। 2014 प्रिगोजिन वाग्नर ग्रुप सहायतार क्रिमिया कब्जा कर रूसिया एथस उत्तर आफ्रिका और सीरिया लड़े में भाग नहीं। वाग्नर ग्रुप रे 50,000 सैन्य बल सह बहु युद्धास्त्र भी अच्छी। परवर्ती खबर को आसीबा आसाम रो गां गां रे बन्या पानी ब्रह्मपुत्र सह अन्य नदी रे बन्या आसीबा परे स्थिति एबे बेहाल। पानी घेर रे 19 जिल्ला रो पाखापाखी 1,538 गां 5,00,000 लोक प्रभावित होता बेले 3 जनकर मृत्यु हो सारी। एपटे उत्तर भारत में भी जारी रही वर्षा। दिल्ली गुरुग्राम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अनेक स्थान में वर्षा हो गुरुग्राम अनेक स्थान में पा जमी रही जून शेष जाए यह वर्षा लग रहा नहीं आकलन कर भारतीय पापाग विभाग। प्रबल वर्षा आसाम बन्या पानी घेर रे 19 जिलार 5,00,000 लोक बढ़ुची विपन्नों दुर्दशा उद्धार कार्य जारी। प्रबल वर्षा उछलुची नदी आसाम रे बन्या स्थिति गंभीर। पानी घेर रे 19 जिलार पाखापाखी 1,538 गां 5,00,000 लोक प्रभावित होता बेले 3 जनों मृत्यु हो। आसाम सरकारों सूचना अनुसार आसाम अनेक नदी बंध भांगा जो गांव में पशिश बन्या जल चिरंगा बजली दारंग बारपेट डिब्रुगढ़ गोवालपड़ा लक्ष्मीपुर गोलाघाट नगांव तुमलपुर विश्वनाथ आदि जिला प्रभावित हो। सबुठारु अधिक प्रभावित हो नालबारी और बजली जिला। अधिक प्रभावित 14 जिले में खोल जा बन्या आश्रय स्थल 225 रिलीफ कैंप 35,000 अधिक लोक आश्रय दि जाए। विपन्न को खाद्य पा औषध सह जरूरी सामग्री जोगाई दि जाए। बन्या जो 10,782 हेक्टर चाष जमी प्रभावित होता जमापड़ रास्ता उपर चलुची आंठुए उच्चर पा रास्ताघाट धोई रिलीफ और उद्धार कार्य बाधाप्राप्त होनेक स्थान नदीनाल बंध भांगा फल बहु लोक घरे पशिश पा
ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଭଳିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ରିଜ, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବାସଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆସାମ ନୁହେଁ, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ୍ରେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତିନ ବଜେ ସେ ପେ ହେଲେ ଉସ ସମୟ ବାନ୍ଧ ଟୁଟ ଗିଆ ଓ ସବ ଲୋକ ସୋ ରହା ଥା। ଜବ ଆୱାଜ ଆୟା ଉସ ସମୟ କିଛି କୋ ପତା ସେଲା କି ବା ରିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧ ଟୁଟ ଗିଆ, ତବ ହାଲ୍ଲା ମଚଲ ଗିଆ। তব সব লোক আকে যো সকে জিতনা সকে আদমি লোক তো নিকল কে গেয়া লেকিন কুছ সামান নিকলনে নেহি পায়া, সব তোড় দিয়া, কুছ ভি সামান ভি নেহি হে। ও আদমি হম বাহার রয়া থা, কোই ভি সামান নেহি লেঙ্গে, পুরা ঘর টুট গিয়া। হ্যাঁ, পুরা ঘর টুট গিয়া। পঞ্জাব ও হরিয়ানারে প্রবল বর্ষা। হরিয়ানার গগর নদীরে আসলা অচানক বন্যা। বন্যারে ভাসিগলা কার। ପଞ୍ଚକୁଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିବାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀତଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ରସି ସହାୟତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବଲା, ରୋହତକ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି 3-4 ଫୁଟର ପାଣି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯାତାୟାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପାଲଘର, ମୁମ୍ବାଇ, ଥାନେ ଓ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମେ ଏସି ସ୍ଥିତି ହେ 18 cm ରେନ୍ଫଲ ରେକର୍ଡ କିଆ ଗିଆ, ହାଇଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ମୁମ୍ବାଇ ରିଜନ ପେ ଔର ବାରିଶ ଜାରି ହେ। ଆଜ ବି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକ୍ତା ହେ, ଇସିଲେ ୱହାଁ ବି ଲୋୟର ଲିଭିଂ ଏରିଆ ମେ ଇନଣ୍ଡେସନ ହୋ ସକ୍ତା ହେ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର ଇମ୍ପାକ୍ଟେଡ଼ ହୋ ସକ୍ତା ହେ, ଇସିଲେ ସାବଧାନିଆ ବରତନା ଚାହିଏ। ଜିତନା ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେ ଓହାଁ ସଭି ଯାହା ମନସୁନ ଆକ୍ଟିଭ ହେ, ମନସୁନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଏ ହେଁ, ଓହାଁ ସଭି ଜାଗା ପେ ହମ ଲୋକ ସତର୍କ ରହନା ଚାହିଏ। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମେଘାଳୟ, ସିକିମ ଓ ହରିୟାଣାରେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନାଳ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ ଧୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ କରଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘୁରୁଡ଼ିଆ ନାଳ ଉଛୁଳିବା ଫଳରେ ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର 6ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେବଗଡ଼ରେ 118 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ନଗରରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 4000 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି,
कहीं प्रशासन देखुं देखी चाहिए भी चुप रोचे कहीं ड्रेन सुविधा अच्छे ड्रेन परिष्कार ना से पा लेवल बहुत उपरे आपन कौन कह आपे देखुं कौन कह बर्तमान टोटाल टाउन प्लानिंग 4000 बासिंदा जलबंदी अच्छा कहीं निजर सुविधा असुविधा घर बाहरी पा ना पा तो बहुत पूरा आम आंठू पाखापाखी पा अच्छी आंठुए पा हम लोक ना बाहरी पा ना तो देखु कई लोक आसुना किसी जावास बहुत प्रोब्लेम हो अच्छा तो बर्षार परिमाण बढ़ लघुचाप अच्छी सी तो आहरी दिन एमती संकट चलो बरगढ़ संबलपुर सोनपुर अनुगुल बौद्ध ये जो रोच चार जिले पांच जिला रोचे यही पांच जिले में खास कर बर्षार परिमाण गोटे दृष्टि स्थान में 20 सेंटीमीटर अधिक रसंता का लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रही लघुचाप क्षेत्र मुख्यतः भाव प्रबल झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर यह सब जिला पाखापाखि नौ जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर पार्श्वर्त जिला प्रबल वर्षार संभावना रोज येलो वार्निंग जारी कर मिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिली देशर सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील सम्मान ने सम्मानित करिसेंती इजिप्ट राष्ट्रपति अब्दुल फते एलसीसी यहां लगाई विदेश में प्रधानमंत्री मोदी को 13 बड़ सम्मान मिली सारि से प्रधानमंत्री मोदी सर्वपुरातन अल हकीम मस्जिद भी परिदर्शन करिसेंती राजधानी कावरे हेलियोपोलिस वार मेमोरियल प्रथम विश्वयुद्धर वीर भारतीय जवान को श्रद्धांजलि जणाइछंती मोदी एथिस आज विदेश गस्तर भारत प्रत्यावर्तन करिवे प्रधानमंत्री इजिप्ट रे प्रधानमंत्री मोदी को सबुठ बड़ सम्मान राजधानी कायरो रे नरेंद्र मोदी को मिसर रो सर्वोच्च राजकीय सम्मान रे सम्मानित करा जाय छि राष्ट्रपति अब्दुल फते एलसीसी ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार रे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करछंती आज द्विपाक्षिक बैठक पूर्वरु मोदी को एही पुरस्कार दिया जाय छि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मिसर रो राष्ट्रपति अब्दुल फतेहंक मध्यरे विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग रे आलोचना होईछि एथिस एक एमयू स्वाक्षर करा जाय छि इजिप्टर बहु पुराणा एवं प्रतिष्ठित अल हकीम मस्जिद परिदर्शन करछंती पीएम मोदी मस्जिद कांथरे द्वाररे थिबा शिलालेखर प्रशंसा करछंती प्रधानमंत्री एकादश शताब्दी रे 13,560 मीटर अंचल थिबा ए मस्जिद रो पुनर्निर्माण भारत रो दाऊदी भोरा मुस्लिम संप्रदाय को सहयोग रे करा जायतला मस्जिद परिदर्शन करबा स भोरा कम्युनिटी सदस्य को स आलोचना करछंती मोदी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा वजीरी ने उनको वुडन बोट गिफ्ट किया और वुडन बोट का पूरा मायना समझा कि क्यों वुडन बोट गिफ्ट किया पीएम साहब बहुत ही खुश हुए ये सुन के कि ये गिफ्ट मुझे दिया और सैयदना साहब के जानिब से उनको यहाँ का जो मिशकात है जो ये जो लटके हुए इसको हम मिशकात बोलते हो और उस पर एक आयत लिखी है नूरुन अला नूर तो शहजादा साहब हुसैन भाई साहब ने समझाया इसका माना क्या है नूर का प्रकाश का और बहुत बहुत खुश हुए और फिर यहाँ की मस्जिद का पूरा फ्रेम है वो भी उनको गिफ्ट किया एथिस कायरो रे थिबा हेलियो पुलिस वार मेमोरियल परिदर्शन करथिले प्रधानमंत्री प्रथम विश्वयुद्ध बेले बलिदान देथिबा वीर भारतीय सैनिकंकु श्रद्धांजलि अर्पण करछंती प्रथम विश्वयुद्ध बेले एठार 3,769 जन भारतीय जवान बलिदान देथिले एथिस इजिप्ट रे रहुथिबा भारतीयंकु भेटिछंती प्रधानमंत्री दुईदिनिया इजिप्ट गस्तरे जाइथिबा पीएम मोदीकु भव्य स्वागत करा जायथिला प्रधानमंत्री हेबा परे एहा थिला मोदीक प्रथम इजिप्ट गस्त ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया परवर्ती खबर को आसिबा मणिपुर रे थमिबार ना धरनी हिंसाकांड दुई मास धरी जारी रहिछि हिंसा स्थिति यार मध्य रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को भेटिछंती मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लागि रहिथिबा स्थिति संपर्क रे आलोचना होइछि किभली स्थिति रे सुधार आसिबो सेने कथा होइछंती अमित शाह दीर्घ दिन हिंसा परे एबे स्थानीय लोक माने पुलिस और सेना विरोध रे मोर्चा खोलिछंती गतकाली एभली एक घटना देखिबा को मिलिछि हजार हजार महिला एकत्रित हो सुरक्षाकर्मी को गोटे अंचल घेरी जाइए कारण सेना तार सर्च ऑपरेशन को बंद करने को पड़ा महिला मानकर एपरी विरोध कारण 12 जन उग्रवादी थी से अंचल को छाड़ बाध्य होता सूचना अनुसार सुरक्षाकर्मी शनिवार दिन मणिपुर इथम गांव में सर्च ऑपरेशन करुते ऑपरेशन क्रम में केवाईकेएल विद्रोही संगठन 12 जन उग्रवादी को सेना घेराबंदी रखी हजार हजार महिला सेना को घेरी से छाड़देव बाध्य
ଶେଷରେ ସେନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 12 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମଣିପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଣିପୁର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। It is just like dictatorship ruling in the entire nation. I don't know what other big state. If what is happening there in Manipur, if it is happened, the other mainland, other big state, India will be just like burning entire country. This is what the brief final I would like to place before the dignitaries of the different political party leaders and our brothers, sisters who are coming here, most of them from Manipur. So with these few words, if necessary, I am ready to reply from the media side any question, whatever I know, I will reply. June 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा, माननीय गृहमंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। विरोधी एकता बैठक पर जोर धरला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कली आपको सीधा सड़क टार्गेट करिछंती कांग्रेस रो बड़ नेता अजय माकेन। तेज आप विरोध में बड़ अभियोग से आनी से कहते केजरीवाल जेल जीवा भयर एवं बीजेपी समर्थन ने बाहरी विरोधी एकता भांगी षड्यंत्र कर गोटेपटे कंग्रेस सहयोग लोड़ा बेले अंपटे राजस्थान ने जाई सेठाकर कंग्रेस नेता को समालोचना करजरीवाल दो मुहा नीति को दर्शाऊ अजय माकेन कहते सेपटे आप जोरदार काउंटर कर आम आदमी पार्टी नेता तथा दिल्ली मंत्री सौरभ भरद्वाज कहते राहुल गांधी बयान बेस जटिल लगुच गोटे पटे राहुल गांधी नफरत बजार में मोहब्बत दुकान खोलिबा कथा कहुथिबा बेले सेबळे किछि दिसुनी केन्द्र सरकार अध्यादेश विरोध में आप मोर्चा खोलिथिबा बेले एबे भी कांग्रेस समर्थन मिली नाही जहाँको नै दुई दल मध्ये विवाद लागि रहिछि एपरिकि विरोधी एकता नै मध्ये फाट सृष्टि होउथिबा चर्चा हेउछि कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके दो साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं और समझौता करने के लिए विपक्ष एकता एक मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाजार में, तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा, तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। पाखे आसला निर्वाचन आउ अटाकिंग मोड रे बीजेडी एवं बीजेपी सेपटे पटना मेळी रु बुस्टर परे उत्साहित अछि कांग्रेस 24 पई राज्य कांग्रेस भी करिछि प्लान तेबे 75 आसन उपर एबे नजर हेले युद्ध को जिबा अगरु हाथ पाखरे केते अस्त्र प्रार्थी ओ पांठि पई होइछि बडो स्ट्रेटेजी मसीहारु क्षमतारु दूरै जाइथिबा कांग्रेस 24 पई करुछि कट ऑफ प्लान राज्य रे कांग्रेस रो स्थिति जहा बर 147 नुहे केवल 75 आसन रे दल करुछि फोकस आ तयारी करुछि विजय स्ट्राटेजी जो माने कम भोट रे हारिछंती एवं अमानत रखछंती तांको उपरे दल दउछि विशेष गुरुत्व। पूर्व नुहे हातो फोकस रे उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम 75 आसन उपरे नजर प्लान करुछंती प्रचार कमिटी अध्यक्ष कांग्रेस पाई विजय आणिबे कि विजय पटनायक क्षमता को आसिबा पाई हेउछि बड़ स्ट्राटेजी एबे कांग्रेस रे काम करुछि स्वतंत्र मीडिया सेल हाथ छाड़ीथिबा कर्मी को फेरे अणा जाउछि कम व्यवधान रे हारिथिबा एवं अमानत रखिथिबा नेता को दे जाउछि गुरुत्व 75 विधायक को हेबो स्पेशल फंडिंग अधिकांश शिक्षित युवक को मिलिबो टिकेट निर्वाचन 5 मास आगरु 75 आशायी को दलय सूत्र रु टिकेट फाइनाल ने घोषणा हेबो
ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡରେ ବୈଠକ ନେଇ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ଆଉ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ରଣନୀତି ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେବ ଅସ୍ତ୍ର। ରାୟଗଡ଼ା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମୋହନା, ବିଷମକଟକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ରାଇକିଆ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଯାଏ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭା ସମିତି ସହ କର୍ମୀଙ୍କ ମତ ନେବା ପରେ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। 28% କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ହାର 13% ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କିଭଳି ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିବା କର୍ମୀ କିଭଳି ଫେରିବେ, ସେ ନେଇ କାମ କରୁଛି କୋର୍ ଟିମ୍। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ପାଇଁ ତାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲୁଛି। ସେଥିରେ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିକରି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ରଣନୀତିକୁ ଫାଇନାଲ କରିବୁ। ସେପଟେ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପାଟନା ବୈଠକରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିନା କଂଗ୍ରେସରେ ବାକି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସହ ଲଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଂଗ୍ରେସ ମାହୋଲକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମୟ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନ୍ଦଳରେ ନେତା ବ୍ୟସ୍ତ, ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିସିସି ଏକାଠି ହୋଇ ଟିମ୍ୱାର୍କ ଭଳି କାମ କଲେ ନିହାତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ ହେଉ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦରକାର। ପିସିସି ତ ଏବେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିସିସି ନେବେ ବା ପିସିସିଟାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଟିମ୍ଟା ଚଳେଇବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ବା ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ରହିବେ, କଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିବ।